टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पिछले दो दिनों से तेज बुखार है। हालांकि डॉक्टरों की सलाह पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुखार के कारण वो हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह में भी शामिल नहीं हो सके हैं। नीरज को हुए तेज बुखार की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के लिए सोना जीता था। ये इस इवेंट में ही नहीं बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में देश को मिला पहला पदक है। समाचार एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए नीरज के करीबी ने बताया कि एथलीट अब स्वस्थ हो रहे हैं। करीबी ने कहा कि कल तक उनका तापमान 103 डिग्री था, लेकिन अब वो बेहतर हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा, जिसके कारण वो बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा कि नीरज शायद आज शाम को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। वो सीधे यहाँ पहुँचेंगे। अन्य खिलाड़ी फिलहाल अशोका होटल में है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर तक भाला फेंक गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालने का काम किया था। इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल भारत के नाम हुआ था, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर चेक गणराज्य का कब्जा था। टोक्यो ओलंपिक में जीते गोल्ड मेडल का फायदा नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड रैंकिंग में भी हुआ। टोक्यो ओलंपिक से पहले जहां वो 16वें पायदान पर थे, वहीं अब ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद वो वर्ल्ड नंबर 2 पर हो गए हैं, यानी उनकी रैंकिंग में 15 पायदान का उछाल आया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो से गोल्ड जीत कर लौटने के बाद अपने नए लक्ष्य का खुलासा भी किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने नए टारगेट को बताया। उन्होंने कहा कि उनका अगला मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर अंजू बॉबी जॉर्ज के क्लब में शामिल होना है। अंजू जॉर्ज वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय हैं। उन्होंने साल 2003 में पेरिस में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। नीरज का इरादा अगले साल अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज की सफलता में उनके कोच डॉक्टर क्लॉस बॉटोनिट्स का अहम रोल है। ओलंपिक्स के बाद जब क्लॉस जर्मनी में अपने गांव पहुंचे तो हैरानी हुई कि वहां नीरज के गोल्ड की खुशियां मनाई जा रही थी। क्लॉस का ये छोटा सा गांव ईस्ट जर्मनी में जंगलों के बीच घिरा हुआ है। इतना ही नहीं, यहां के लोगों के लिए क्लॉस अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके पूरे गाँव ने नीरज का इवेंट टीवी पर देखा और उनके फैन हो गए।